ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം മക്തബ ഇസ്ലാമിയ ശേഖർകൾക്ക് മുഅസ്സിസ് സാമിഈൻ ആജ് ഹം ആപ് ലോഗോ സേ ഇമാം മഹദി കേ സുഹൂർ കേ മുതഅല്ലിഖ് കുഛ് ബാതേ സിക്ർ കരേംഗേ ജബ് മുസ്ലിമാൻ ഹർ തരഫ് സേ ഗിർ ജായേംഗേ ഔർ ഉൻകി ഹുക്കൂമത് സിർഫ് മദീന മുനവ്വറ സേ ഖൈബർ തക് രഹ് ജായേഗി तो वो हज़रत इमाम महदी की तलाश में लग जाएंगे। हज़रत इमाम महदी उस वक्त मदीना में होंगे और इमामत का बार उठाने से बचने के लिए मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। मक्का के बास बाशिंदे उन्हें पहचान लेंगे और उनके पास आकर इन्हें बार लाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती बियात कर लेंगे। हालांकि वो दिल से न चाहते होंगे, ये बयात मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान होगी। जब हज़रत इमाम महदी की खिलाफत की खबर मशहूर होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर आपसे जंग करने के लिए चलेगा और आपके लश्कर तक पहुंचने से पहले ही मुकाम बैदा में, जो मक्का और मदीना के दरमियान है, ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इस वाक़े की खबर सुनकर शाम के अब्दाल और इराक के परहेजगार लोग आपकी खिदमत में पहुंच जाएंगे। आपके मुकाबले के लिए एक कुरैशी नस्ल शख्स कबीले बनी कल्ब के मर्दों का एक लश्कर भेजेगा। कबीले बनी कल्ब में इस शख्स का ननियाल होगी। कबीले बनी कल्ब में उस शख्स की ननियाल होगी। इस कबीले से हज़रत महदी का लश्कर जंग करेगा और गालिब रहेगा। ये रिवायत मिशकात शरीफ में अबू दाऊद के हवाले से रिवायत की गई है। इसके शुरू में भी ये है कि एक खलीफा के मरने पर इख्तलाफ होगा कि अब किसको खलीफा बनाया जाए, और एक साहिब यानी हज़रत महदी ये समझ कर मदीना से मक्का को चल देंगे कि कहीं मुझे ना बना ले। हज़रत इमाम महदी का उलिया नसब और नाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी मेरी नस्ल से और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से हूँ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने एक मरतबा अपने साहिबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम सैयद रखा है। इसकी औलाद में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम वही होगा जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, यानी इसका नाम मोहम्मद होगा। फिर फरमाया कि वो अखलाक में मेरे बेटे हसन के मुशाबे होगा और सूरत में उसके मुशाबा न होगा, यानी उसका हुलिया हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता जुलता न होगा। बाज़ रिवायात में है कि इमाम महदी के वालिद का नाम वही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, महदी मुझसे होगा, उसका चेहरा खूब रोशन होगा, नाक बुलंद होगी।